अर्ज करूं। देखिए हमारा सर, ये साल का बहुत अहमियत वाला बजट है। पता नहीं, हम तो इधर बिल्कुल हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस हॉल से बाहर भी पास हो रहे हैं, इस हॉल के बाहर बहुत सारे लोग, उनकी अमवातें हो रही हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं, लोग बहुत मुसीबत में हैं। हम पता नहीं किस टाइप का एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हम ये भी जानते हैं कि हमें मीडिया कवर कर रहा है, हमें ये भी पता है कि यहाँ से वीडियोज जाती हैं, और फिर हम एक बहुत, हमें कम से कम अपना एजेंडा हम कर लें, बाद में फिर एक लाइट मोड में हम कर सकते हैं, लेकिन लाइट मोड भी एक लेवल पे होता है। थोड़ा सा मेरा ख्याल, अगर हम सीरियसनेस दिखाएं कि हम इस पूरे साल का इस सूबे का बजट पेश कर रहे हैं, और हम अब इधर उधर पिज्ज़ा और फिर पता नहीं शादियाँ, फिर पॉपुलेशन, फिर ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नामुनासिब है। शाह साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही कराई है। आज बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इस बजट के हवाले से है, वो हमारे कमेंट्स और हमारे और आपके सजेशंस के हवाले से। आज भी अगर ये वीडियोज़ जाएंगी तो यकीनी तौर पे जिस हवाले से हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, किसी भी असेंबली के अंदर, ठीक है, या तो बजट की बात होती है या उसकी इख्तलाफ की बात होती है, इस तरह का गपशप का माहौल और बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंक अंदाज में जो है ना, वो फिर बहुत अजीब सा माहौल है। थोड़ा हमें सीरियस हो जाना चाहिए। बिल्कुल वो ज़्यादा माहौल मेरे ख्याल बेहतर था जो कल बात हो रही थी। भले जेरे साहब हर चीज़ पर अगर आधी आधी घंटे की तकरीर करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कम से कम हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें कमी की जाए, इसमें बेहतरी की जाए, लेकिन अगर हम आउट ऑफ द सब्जेक्ट जाके इधर उधर की चीज़ों पे जाएंगे तो नामुनासिब है। मेरा ख्याल थोड़ा सा हाउस अगर जी, शुक्रिया जान साहब,